हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम फिजा शेख और मैं यहाँ ब्लॉगिंग करती हूँ। और आज मैं इतना ज़्यादा तैयार नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना तैयार हुई हूँ कि मुझे गर्मी ना लगे और मैं कैरी कर लूँ। तो मैंने बहुत लाइट मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा। तो क्यों किया है? ईद की वजह से किया है, इसलिए आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आप सब लोगों की ईद कैसी गुजर रही है? मेरी तो गुजर गई, पूरा एक दिन गुजर गया और मुझे अभी टाइम मिला है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद का व्लॉग शेयर करूं, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा कामों में बिजी हुई थी मैं। और अभी मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ जो है वो शेयर कर लेती हूँ। और ये हैं आयान साहब, और ये तो मेरा जो ड्रेस आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने चांद रात पे पूरा रात लगा के सिया। कि मुझे इन्होंने बहुत अर्जेंट इमरजेंसी में ला के दिया, जब ऐलान हुआ तो मुझे ला के दिया। और फिर मैं इसको बैठ के सी रही थी। कितनी अजीब सी बात है ना कि मैं इसको बैठ के सीऊँ, इतना मैं थक गई। और ईद का पूरा दिन भी मेरा बिजी गुजरा, पूरा दिन गुजर गया, काम 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 ख़त्म नहीं हुए। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं और बच्चे सब हम लोग रेडी में आयान और इसके पापा जो हैं वो खुर्रम सुबह नमाज़ पढ़ने चले गए थे, लेकिन हम लोग इसी तरह बैठे रहे। और बच्चों, ईदी चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे तो चाहिए, पता नहीं मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अच्छा खैर भाई, हमें ईदी तो दें, ईदी तो दें, गिफ्ट भी, ईदी। अच्छा, ये मुझे जितनी बड़ी ईदी देंगे उसका मतलब है मैं उतनी अच्छी लग रही हूँ। 500 आदाब। देखो आदाब कैसे करना, आदाब आदाब। आयान ने शुरू किया था आदाब। ईद मुबारक कैसे बोलो? ईद मुबारक, ईद मुबारक। आधा सर है मेरा, आधा सर। आधा सलाम। तो रुपए अब बोलो आदाब। चलो अब मनाहिल की बारी, आपको यहाँ आना पड़ेगा, झप्पी डालनी पड़ेगी। ईद मुबारक, ईद मुबारक नहीं, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अगले साल की भी कर ली क्या? मनाइल ने अगले साल की भी ईद मुबारक कर ली। चलो ये लो, चलो जी अब मैं सो जाती हूँ। इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। और उसकी वजह ये कि मैं तकरीबन पूरी रात से जाग रही हूँ, पूरी रात से जाग रही हूँ, रात से जाग रही हूँ। आज इतने काम थे कि बस मैं बता नहीं सकती। पूरा दिन काम करते हुए गुजर गया। अब कल का दिन है और मेरी तरफ से जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और सारे जितने भी मुस्लिम्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। और अम्मी जी को भी मेरी ईद मुबारक, अगर वो देख रही हैं व्लॉग। और उनसे मैं ये कहूँगी कि जो आपने मुझे जो पैसे दिए थे सूट लाने के लिए, अभी उसका सूट नहीं लिया क्योंकि यही बहुत इमरजेंसी में आया है। बिल्कुल ऐलान हुआ तो खुर्रम ने मुझे ये वाला सूट ला के दिया, और अब जब ईद गुजर जाएगी तो मैं दोबारा मार्केट जाके एक सूट और ले लूँगी, तो वो वाला होगा जो आपने मुझे पैसे दिए थे। एनीवेज, तो ये है आयान के कपड़े जो आयान ने पहने हुए हैं, और आयान साहब ने सुबह से ड्रेस पहना हुआ है और इसने इस पर कुछ लगा लिया और अभी जब मैं व्लॉग बंद करूँगी तो मैं इससे पूछूँगी कि इसने क्या लगाया है, क्योंकि ये गंदे कर चुका है कपड़े, जबकि इसने भी शाम को पहने हैं। 4-5 बजे इसको मैंने दोबारा कपड़े ड्रेस चेंज करने के लिए कहा था, वरना सुबह ये गया था नमाज़ पढ़ने और मैंने इसको 9 बजे तक कहा था कि बस अब चेंज कर लो क्योंकि शाम में पहन लेना। तो ये सारा हो गया। और ईद वाले दिन या तो लोग काम करते रहते हैं,
या फिर सोते रहते हैं, ये दो काम होते हैं ईद पे लोगों के। और अब क्या शुरू हो गया है, शव्वाल शुरू हो गया है, कल शव्वाल की 2 तारीख है। शव्वाल के 6 रोज़े जो है वो रखते हैं, सुन्नत है वो, लेकिन जिसका दिल चाहे वो रख सकते हैं क्योंकि सुन्नत है। जिसको इजी लग रहा है, जिसको सहूलत है वो रख सकता है, जिसका दिल कर रहा है वो रख सकता है, मस्त नहीं है तो। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि कल से जो लोग शव्वाल के रोज़ रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, लेकिन अभी मेरी ऐसी तो कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरा दिल कर रहा है मैं पूरी रात में सुकून से सोऊँ। और नमाज़ पढ़ने की बात और होती है कि इंसान उठ के फजर की नमाज़ पढ़ता है फिर सो जाता है, लेकिन वो जो उठना पड़ता है सहरी के टाइम और कुकिंग करनी पड़ती है वो वाली जो चीज़ें, और उसके बाद फिर समेटना है और साथ में फिर बच्चे भी उठ जाते हैं उनको दोबारा सुलाना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे दोबारा सोते नहीं हैं, वो वाली मुश्किल बड़ी हो जाती है। बच्चे जाके सोते हैं 10-11 बजे जाके सोते हैं, अगर 3 बजे हम उठ के सहरी बना रहे हैं और रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ें, बच्चे दोबारा नहीं सोते। बच्चे जो उठे होते हैं साथ में उनका खेल, उनकी एक्टिविटीज़, 10-11 बजे सोते थे बच्चे, तो ये वाली रूटीन जो है वो अब ख़त्म हो जाएगी। अब ये होगा कि हम नींद पूरी आराम से कर सकेंगे और जो है बस नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। और फिर कुरान भी जो है वो अभी हम ज़्यादा पढ़ते थे क्योंकि हमें इबादत करनी होती थी। कोल्ड ड्रिंक किसको चाहिए? मनाहिल को नहीं चाहिए, चाहिए? मनाहिल ने गुड़ू गुड़ू दिया था। कोल्ड ड्रिंक हमने सुबह मंगवाई थी ना, तो अब इतनी है मनाहिल, अब आप पूरी नहीं पी जाना। हम खा रहे हैं ईद की बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक साथ में। बिरयानी दोपहर में लंच में खाई है हमने और अभी डिनर कर रहे हैं हम लोग इस वक्त रात में, और हमें तैयार होने में बहुत देर हो गई और डिनर जिसकी वजह से लेट हो गया है। बिरयानी बहुत मज़े की बनी। मनाहिल आपको बिरयानी कैसे लग रही है? बहुत मज़े। अब है इसकी बात, और ये देखिए ये माशाल्लाह से मेरे जितना बड़ा हो गया है और इसने माशाल्लाह पूरे रोज़े रखे हैं। और फिर हमने इसको क्या गिफ्ट में दिया, दिखाओ घड़ी, लाइट दिखाओ। और अभी हम खाना खा के बैठे हैं तो मैंने सोचा मैं अब इसको एंड कर दूँ इस ब्लॉग को अपने, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, बहुत थक चुके हैं हम पूरा दिन से। और अभी आप लोग मुझे ये बताइएगा कि मेरा ड्रेस स्टिच किया हुआ आप लोगों को कैसा लग रहा है, कलर कैसा है, आप लोगों ने कैसे कपड़े बनाए, किस कलर के बनाए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा मेकअप मैंने बहुत कम किया है, बहुत लाइट मेकअप मैंने किया है, और लिपस्टिक मैंने थोड़ी सी डार्क लगाई है क्योंकि ईद है, ताकि लगे कि भाई ईद है। लेकिन बाकी चीज़ें जो मैं कैरी कर सकती थी कि गर्मी मुझे ना लगे, तो वो चीज़ें मैंने मेकअप में की हैं। उसके अलावा आप लोग बताइए पूरा रमज़ान कैसा गुजरा, मेरे सारे रमज़ान के ब्लॉग, जो लोग अभी न्यू हैं सब्सक्राइबर्स, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं जाके कहूँगी कि मेरे सारे ब्लॉग्स को वो देखें, और मुझे बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को मेरे कैसे ब्लॉग देखना पसंद है, और जो आइडियाज़ हैं आप वो मुझे बताइए। उसके अलावा मुझे कमेंट्स करके आप लोग जब अपनी राय का इजहार करते हैं तो मुझे पता लगता है कि आप लोग किस तरह के ब्लॉग देखना चाहते हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, ये सारी बातें। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन जो है मेरी वीडियो का, जब मैं अपलोड करूँगी, वो आप लोगों के पास नहीं आएगा। इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बेइंतहा ज़रूरी है। उसके अलावा आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और तो मैं आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।